पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया विवादित बयान। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का किया अपमान। पीएम को बताया गुजरात का कसाई। भुट्टो के इस बयान पर पाकिस्तानियों ने ही उनकी क्लास लगाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जुबान कितनी जहरीली है ये पूरी दुनिया जानती है। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिलावल को इतनी तमीज नहीं है कि राजनीति कैसे की जाती है, भाषा की मर्यादा क्या होती है। पाकिस्तान के पप्पू को ये तक नहीं पता कि राजनीतिक मतभेदों को मर्यादित भाषा के तहत ही बयां किया जाता है। शायद यही वजह है कि जिस तरह का आपत्तिजनक बयान बिलावल ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया, खुद पाकिस्तानियों ने उनकी बैंड बजा दी। नफरती और जहरीली जुबान वाले पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते देते यहां तक कह दिया कि गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो हिंदुस्तान का पीएम है। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the prime minister of India. He was banned from entering this country until he became prime minister. This is the prime minister of the RSS and the foreign minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. भुट्टो के इस बयान के सामने आते ही पूरे भारत में उबाल देखा जा रहा है। भाजपा नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिलावल को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत का पूरा विपक्ष भी इस मामले में पीएम मोदी के पक्ष में आ गया है और पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुना रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कह दिया था कि बिलावल का ये बयान निंदनीय है और हम पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है, और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा हैं, हम उसमें उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और उसके खिलाफ उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए ये हमको बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी पीएम के सपोर्ट में आ गए। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल के इस बयान पर खुद पाकिस्तानी भी उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। पाकिस्तान के दिग्गजों ने साफ कहा है कि विदेश मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बिलावल के बयान को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा, मैं डिप्लोमेसी के आईने में इसे सही नहीं मानता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का इस तरह से कहना डिप्लोमेसी में ठीक नहीं माना जाता है। मैं कहूं या कोई आम आदमी कहे तो चल भी जाता, क्योंकि लोग आवेश में आकर कह देते हैं, लेकिन विदेश मंत्री का इस स्तर पर जाना ठीक नहीं है। सिर्फ अब्दुल बासित ही नहीं, पाकिस्तान के कई दिग्गजों ने ये माना है कि बिलावल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर रहे और पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों में शुमार होने वाले परवेद खुदाभोए ने भी बिलावल के बयान पर उनको घेरा और कहा कि इस तरह के बयान से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता है। पाकिस्तान की जानी मानी सुरक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीकी ने भी कहा कि ये बयान बिलावल की अनुभवहीनता को दर्शाता है। मोदी के खिलाफ बयान देकर बिलावल ने खुद के लिए परेशानी खड़ी कर ली, अपने ही देश के लोग उनसे चिढ़ गए हैं। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।